like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. सब खत्म हो रहा है, साम्राज्य बिखर रहे हैं, राजा गिर रहे हैं और इंसान सह रहा है। दुनिया खत्म हो रही है। हम देख रहे हैं इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को। वहीं पर ब्लैक पैंथर एक मशीन को अपने हाथ में लिए कुछ सोच रहा होता है। तभी नेमर उससे पूछता है कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो। ब्लैक पैंथर कहता है कि मैं याद कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। और अगले ही पल ब्लैक पैंथर अपने हाथ में रखी मशीन को एक्टिवेट करता है और तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये जो चीज तबाह हुई, ये थी एवेंजर्स की दुनिया, जो कि कई सारी दुनिया में से एक थी। ये है टाइटन। और यहाँ हम देख सकते हैं आउटराइडर्स को। आउटराइडर्स पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। इन्हें बनाया जाता है दूसरों की जान लेने के लिए, और इन्हें जाना जाता है इनके काम के हिसाब से, जैसा कि ये आउटराइडर करके आया है। तब एक आउटराइडर कॉर्वस ग्लेव से कहता है कि मुझे सक्सेस मिली है आल अगिलो पे। कॉर्वस अपने मास्टर से कहता है कि मैं तुरंत निकलता हूँ। तब कॉर्वस आउटराइडर से बोलता है कि तुमने जो यहाँ किया उससे मास्टर खुश हैं, पर ज्यादा देर नहीं, अभी तुम्हें एक और काम निपटाना है। जिस पे वो आउटराइडर कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वो अपने शिप पे चढ़ के वहाँ से निकल जाता है। तब कॉर्वस उससे जाते जाते समझाता है कि जो भी करना छुपके करना। दूसरी तरफ हम देखते हैं आल अगिलो, जो कि कुछ समय पहले ही तबाही से उभरा है, पर फिलहाल यहाँ के राजा तक कॉर्वस पहुँच चुका है। कॉर्वस वहाँ के राजा से चिल्ला के पूछता है कि ऑगुलस द ब्रेव कहाँ है, जिसने ग्रेट बीस्ट को हराया, वाटर वॉर खत्म किया और अपने लोगों को एक किया। कहाँ है आपका चैंपियन, कहाँ है आपका बेटा? तब वो राजा कहता है कि मुझे नहीं पता। जिस पे कॉर्वस कहता है कि मुझे पता है, आपने उसे मुझे मारने के लिए भेजा था, पर मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। तब कॉर्वस उस राजा को उनके बेटे का टूटा हुआ हथियार दिखाता है, जिससे वो राजा समझ जाता है कि उनका महान बेटा मर चुका है। और अगले ही पल वो राजा अपने गार्ड्स को कॉर्वस को पकड़ने के लिए कहता है, पर तभी कॉर्वस अपने ब्लेड को जमीन पर पटकता है और बोलता है कि हिलने की कोशिश भी मत करना, मैंने ये सब पहले भी किया है। दो साइकिल पहले मेरे मास्टर तुम्हारी दुनिया तबाह कर चुके थे, पर तुम लोगों ने अपने शहर को फिर से बसा लिया। मैं मानता हूँ कि ये बहुत काबिले तारीफ है, पर मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मुझे वो करने पर मजबूर करें जिसमें मैं अच्छा हूँ। तब वो राजा पूछता है कि तुम्हें चाहिए क्या, जिस पे कॉर्वस कहता है कि मुझे बस एक ट्रिब्यूट चाहिए। तब कॉर्वस अपने मास्टर के लिए अगिलो की तरफ से ट्रिब्यूट लेकर आता है। फिर वो आगे बोलता है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज हो गई, पर हम सब काम कर लाए। तब उनका मास्टर पूछता है कि क्या तुम श्योर हो। कॉर्वस कहता है कि मैं श्योर हूँ, आप खुद देख लें। तब हम देखते हैं कि कॉर्वस का मास्टर और कोई नहीं बल्कि मैड टाइटन थैनोस है, जो कि कॉर्वस के ट्रिब्यूट को देख के बहुत खुश होता है। वो ट्रिब्यूट होते हैं अगिलो के लोगों के सर। अब एक ट्रिब्यूट बचा है, जो कि है अर्थ पे। तब हम देखते हैं उस आउटराइडर के शिप को, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस के गायब हो जाता है। और तब वो एक एक करके जाता है एवेंजर्स हेडक्वार्टर, एक्समेंशन और शील्ड हेलीकैरियर। ये आउटराइडर ट्रिब्यूट लेकर ही रहेगा, नहीं तो ये दुनिया जलेगी। और यहाँ शुरू होता है इन्फिनिटी। तो गाइज, आपका स्वागत है इन्फिनिटी कॉमिक सीरीज में। ये सीरीज रिलीज हुई है 6 इश्यूज में, इसीलिए हम इसे दिखाने जा रहे हैं 6 एपिसोड में। यहाँ हमें दिखेंगे इल्यूमिनाटी, एक्समैन, बिल्डर्स, जो कि यूनिवर्स को बनाने के लिए जाने जाते हैं, पर जो प्लैनेट उनके लिए फेलियर है उसे वो तबाह कर देते हैं। यहाँ हम देखेंगे स्पेस नाइट्स को, एवेंजर्स को और इनह्यूमंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स के किसी दूसरे कोने में हम देखते हैं बिल्डर्स को, जो कि प्लैनेट गैलाडोर को खत्म करने जा रहे होते हैं। पर इस प्लैनेट के लोग इतनी जल्दी हार नहीं मान रहे, और वो मान भी नहीं सकते क्योंकि इनके पास हीरोज हैं। तब हम देखते हैं बिल्डर के बॉट्स को प्लैनेट तबाह करते हुए, पर अगले ही पल उनके सामने आते हैं गैलाडोर के हीरोज यानी स्पेस नाइट्स। स्पेस नाइट्स उस तबाही के बीच पड़े हुए सिटीजंस को उठाते हैं और फिर वो उन बिल्डर बॉट्स से लड़ने जाते हैं। स्पेस नाइट्स को देख के उन सिटीजंस के मन में एक उम्मीद की किरण जागती है, पर तभी उन सिटीजंस के आगे आती है यूनिवर्स, जो कि उन्हें बताती है कि उम्मीद रखने का कोई फायदा नहीं है, सब खत्म होने वाला है। उनमें से एक यूनिवर्स से पूछता है कि आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं,
जिसपे यूनिवर्स बोलती है कि क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ आ चुके हैं। तब हम देखते हैं बिल्डर्स की शिप। शिप के अंदर से बिल्डर्स कहते हैं कि यहाँ ऐसी तबाही मचाओ कि ऐसा लगे कि यहाँ कुछ भी नहीं था, और अगले पल वहाँ से सब गायब हो जाता है और सच में ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ नहीं था। ये है द पीक। ये लोग हमारे अर्थ पर नजर रखते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आने पर रिस्पॉन्ड करते हैं। और अभी हम देख रहे हैं एजेंट ब्रांड को, जो कि पैलर्मो में अपनी स्ट्राइक टीम को पीछे हटने को कह रही है क्योंकि उन्होंने एक्सपर्ट्स को बुलाया है। तब हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका और हॉकाई को, जो कि शील्ड टीम के साथ एक बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं। हॉकाई उस बिल्डिंग के बाकी लोगों को अंदर रहने को बोलता है। फिर वो कैप्टन को बताता है कि रास्ता साफ है, पर फिर भी हमने बैकअप रेडी कर रखा है। तब हम देखते हैं सेंट्री और थॉर को पैलर्मो के आसमान में, और अगले ही पल कैप्टन एक दरवाजा तोड़ के अंदर घुसते हैं। पर अंदर आके वो देखते हैं कि चार लोग बस वहाँ बैठे पिज्जा खा रहे थे। तब कैप्टन अपने साथी शील्ड एजेंट को बोलते हैं कि वो चीज चालू करो। तभी हमें सुनाई देती है क्लिक की आवाज, और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो लोग नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि स्क्रल्स होते हैं, जो कि इंसानों की भेस में छुपे हुए थे। तब कैप्टन उनसे पूछते हैं कि बताओ ये कैसे करना चाहते हो, और अगले ही पल कैप्टन, हॉकाई और शील्ड एजेंट्स उन स्क्रल एलियंस की पिटाई करना शुरू करते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि द पीक में कुछ होता है। तब एजेंट ब्रांड कैप्टन को आवाज लगाती है, पर कैप्टन स्क्रल एलियंस की पिटाई करने में बिजी होते हैं। पर थोड़ी देर बाद कैप्टन अपना काम निपटा के एजेंट ब्रांड से पूछते हैं कि बताओ क्या बात है। एजेंट ब्रांड कहती है कि आपको जल्दी से ऊपर आना होगा। तब हम देखते हैं यूनिवर्स को, जो कि द पीक में बेहोश पड़ी होती है। ये है एटिलन, जो कि मैनहट्टन के ऊपर फ्लोट कर रहा है। एटिलन पर हम देखते हैं कायरन और टोलोस को बात करते हुए। टोलोस कायरन को बताता है कि उनके किंग ब्लैक बोल्ट अपनी रानियों से बात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कंफ्यूजन फैल रहा है। तभी हम देखते हैं एक आउटराइडर को बिना दिखे ब्लैक बोल्ट के महल में घुसते हुए। पूरा एटिलन ब्लैक बोल्ट और उसकी रानियों के बारे में बात कर रहा होता है, और वहीं वो आउटराइडर दीवारों को पार करते हुए अंदर जाता जा रहा था। और अब आउटराइडर ब्लैक बोल्ट के रूम में घुस चुका है। आउटराइडर सीक्रेट जमा करने के लिए जाने जाते हैं, और अगर उनको वक्त दिया जाए तो वो कुछ भी पता लगा सकते हैं। तब हम देखते हैं उस आउटराइडर को ब्लैक बोल्ट के दिमाग को पढ़ते हुए। आउटराइडर पता लगाता है इनह्यूमंस के बारे में कि वो कौन है। वो पता लगाता है ब्लैक बोल्ट कौन है, और उसका उसकी पांच रानियों के साथ क्या रिश्ता है, और उसका उसके भाई के प्रति कैसा लगाव है। और यही वो आउटराइडर ब्लैक बोल्ट की कमजोरी का पता लगा लेता है। पर इस आउटराइडर को ये नहीं चाहिए। दूसरी तरफ द पीक पर कैप्टन अमेरिका एक्स निहिलो से पूछते हैं कि कैप्टन यूनिवर्स कब से इस हालत में है। एक्स निहिलो बताता है कि मदर ठीक हो रही हैं और वो जल्दी ही पहले जैसी हो जाएंगी। कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन कहते हैं कि वो पिछले महीने से गायब थी और किसी तबाही की बात कर रही थी, जिसपे एक्स निहिलो कहता है कि वो कुछ जानती हैं। तब एजेंट ब्रांड कहती हैं कि ठीक है, फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि हमें क्री के ओमनीकास्ट से कुछ इनपुट्स मिले हैं, जिसपे आयरन मैन कहता है कि क्री के लोग डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं भेजते। तब एजेंट ब्रांड उन दोनों को मॉनिटर पर कुछ दिखाती हैं। वो लोग देखते हैं क्री के लोगों को किसी से लड़ते हुए, जिनमें से एक एलियन मॉनिटर पर कह रहा होता है कि हमने अपनी राह चुन ली है, या तो रास्ते से हटो या मारे जाओ। उस एलियन को देख के एक्स निहिलो कहता है कि ये लोग द बिल्डर्स हैं, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। तब एजेंट ब्रांड बताती है कि क्री के रीजनल टेरिटरीज और सीक्रेट बेसिस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इन सब के बीच में हमारा प्लेनेट आ रहा है। ये सुन के निहिलो को यकीन नहीं होता। तब एजेंट ब्रांड बताती है कि वो लोग अब हमारी तरफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ एटिलन पर वो आउटराइडर ब्लैक बोल्ट के दिमाग से सारे राज बाहर निकाल रहा होता है। तब उसे पता लगता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स इल्यूमिनाटी के पास है, पर अगले ही पल सब गायब हो जाता है, और वहाँ दिखते हैं छुपे हुए राजा और खोई हुई रानी। तभी आउटराइडर को दिखता है ब्लैक बोल्ट, जो कि उस आउटराइडर को बोलता है कि निकलो मेरे दिमाग से। और तभी ब्लैक बोल्ट जाग जाता है, और उठते ही वो उस आउटराइडर का एक हाथ उखाड़ देता है, और अगले ही पल वो आउटराइडर वहाँ से भागने लगता है, जिसे देख के कार्नेक उसे रोकने जाता है। पर वो आउटराइडर कार्नेक के शरीर के आर पार होके आगे बढ़ता है। तब ब्लैक बोल्ट अपने बेड से उठते हैं और अपना कॉस्ट्यूम पहनते हैं। बाहर वो आउटराइडर टोलोस और कायरन के पास आता है। अपने रूम में ब्लैक बोल्ट लॉकजॉ को उस आउटराइडर का कटा हुआ हाथ सुंघाता है। दूसरी तरफ वो आउटराइडर टोलोस और कायरन पर अटैक कर देता है। पर तभी ब्लैक बोल्ट वहां आता है और उस भागते हुए आउटराइडर की तरफ धीरे से बोलता है, रुको। ब्लैक बोल्ट की धीमी आवाज भी उस आउटराइडर को हिला के रख देती है, और वो आउटराइडर एटिलन से गिरने लगता है। पर तभी वो नीचे जाके अपने इनविजिबल शिप से टकराता है, और उस शिप में बैठ के वो तुरंत वहां से निकल जाता है, जिसे देख के ब्लैक बोल्ट और बाकी इनह्यूमंस हैरान हो जाते हैं।
द पीक पर सारे सुपर हीरोज एक साथ आते हैं और कैप्टन मार्वल उन सब से कहती है कि हमें लगभग हर मेजर एम्पायर हर कन्फेडरेशन से डिस्ट्रेस सिग्नल मिला है और क्योंकि हम भी शियार इंपीरियल गार्ड का हिस्सा हैं तो हमें कुछ करना ही होगा। तब स्मैशर बताता है कि शियार मैजिस्टर ग्लैडिएटर ने हम सबको बुलाया है, यहाँ तक कि उसने इंपीरियल सब गार्डियंस को भी एक्टिवेट कर दिया है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वहाँ बहुत खून खराबा होने वाला है। तब कैप्टन बोलते हैं कि फिर तो हमें समझ जाना चाहिए कि कुछ बहुत बुरा हमारी तरफ आ रहा है। तब कैप्टन एक्स निहिलो से पूछते हैं कि क्या होगा अगर वो लोग हम तक पहुँच गए तो, जिसपे एबिस कहती है कि कोई चांस नहीं है, अगर वो लोग यहाँ पहुँच गए तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तब कैप्टन कहते हैं कि फिर तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें दूसरी दुनियाओं के साथ मिलके उन लोगों का सामना करना होगा। कुछ सुपर हीरोज ये सुन के हैरान हो जाते हैं और कुछ एक्साइटेड। तब आयरन मैन समझाता है कि ये बहुत खतरनाक है और इन सबको रोकने के बेस्ट चांसेस इसी रूम में है। तब कैप्टन कहते हैं कि आयरन मैन यहीं रुक के हमारे डिफेंस का ध्यान रखेगा, बाकी सब वहाँ जाके ये श्योर करेंगे कि आयरन मैन तक कुछ ना पहुँचे, हम एक घंटे में निकलेंगे। तब आयरन मैन एजेंट ब्रांड को बताता है कि सब तैयार है। कैप्टन मार्वल कैप्टन अमेरिका से कहती हैं कि सब सही है, बस मुझे लग रहा है कि हम नहीं बचेंगे, जिसपे कैप्टन कहते हैं कि हमें अच्छे की कामना करनी चाहिए और टोनी को बुरे की तैयारी। तब आयरन मैन उन सबको बेस्ट ऑफ लक कहता है और कैप्टन अमेरिका अपनी फ्लीट के साथ वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ हम उस आउटराइडर को देखते हैं जो कि अपने शिप के साथ सैटर्न के मून टाइटन पर जा गिरता है। तब टाइटन के लोग उसे उठाते हैं पर तभी वो आउटराइडर उनसे खुद को छुड़ा के अपने मास्टर की तरफ जाता है और कॉर्वस ग्लेव के सामने जाके बोलता है कि हमें सक्सेस मिली है, जिसपे कॉर्वस कहता है कि हाँ हमें तुम्हारा मैसेज मिला और ब्लैक ऑर्डर एक हो गया, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, ब्लैक ड्वार्फ, द एबिनिमो और सुपर जाइंट, तो अब बताओ कि कहाँ है वो। आउटराइडर बताता है कि वो लोग एटिलन पर हैं, अर्थ पर, इनह्यूमन किंग के पास वो चीज है जो थैनोस को चाहिए। तब कॉर्वस अपना स्पीयर उस आउटराइडर के सर पर लगाता है और बोलता है कि ठीक है फिर तुम्हें वो मिलने वाला है जो तुम्हें चाहिए था, और अगले ही पल कॉर्वस उस आउटराइडर का सर काट देता है। फिर वो अपने मास्टर से पूछता है कि आप खुश हैं इस खबर से, जिसपे थैनोस कहता है कि नहीं, मुझे अर्थ से खुशी मिलेगी। पर ये सुनते ही टाइटन के सारे लोग दंग रह जाते हैं और वो सब आपस में ये बोलने लगते हैं कि अर्थ से किसी को कुछ नहीं मिला आज तक, जिसपे कॉर्वस बोलता है कि हम सब अर्थ को जानते हैं पर इस बार कुछ अलग होगा क्योंकि अर्थ पर अभी कोई एवेंजर नहीं है, और ये सुनकर थैनोस बहुत खुश होता है। Day.